हेलो फ्रेंड्स, एके कार फैक्ट्स के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज आपके सामने है हुंडई की माइक्रो एसयूवी एक्सटर और ये इसका सेकंड टॉप वेरिएंट है एसएक्स। इसके ऊपर आपको एसएक्स ऑप्शनल देखने को मिलेगा और नीचे देखेंगे तो आपको बहुत सारे वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। इसकी अगर मैं एक्स शोरूम प्राइस की बात करता हूँ तो 8 लाख रुपये है और ये मैनुअल है। अगर आप ऑटोमेटिक लेते हैं तो आपको लगभग 70,000 रुपये और भी देने पड़ेंगे। और अगर मैं इसके ऑन रोड प्राइस की बात करूँ तो आज मैं हूँ सुरजीत हुंडई कोलार रोड भोपाल में, तो यहाँ पर ये गाड़ी आपको लगभग 9 लाख रुपये के आसपास मिल जाएगी। और अगर आप ऑटोमेटिक में जाते हैं तो लगभग 1,25,000 रुपये आपको और भी देने पड़ेंगे। इसका अगर आप पूरा लुक देखते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। इस सेगमेंट में और 8 लाख रुपए की प्राइस में आपको इस गाड़ी से ज़्यादा आपको गुड लुकिंग और फीचर रिच गाड़ी आपको कोई दूसरी देखने को नहीं मिलेगी। ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे सिल्वर फाटन पे लोगो दिया गया है और नीचे एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, स्पेक देखिए लिखा हुआ है, फॉन्ट अच्छा लगता है। ये छोटी छोटी भी चीज़ें होती हैं डिजाइनिंग में जो अच्छी लगती है। और आपको यहाँ पर लाइन दी गई है मैट ब्लैक में। पूरा आप DRL देखेंगे तो H शेप में दिया गया है LED में, जब ये ऑन रहता है तो अच्छा लगता है। और यहीं पे आपको अंदर हाइलोजन पे इंडिकेटर के लिए बल्ब दिया गया है, येलो लाइट है, अच्छी लगती है। और नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको पूरा हेडलैम्प यूनिट दिया गया है, ये आपको क्रोम दिख रहा है, यहाँ पे कोई LED नहीं है। जिस टाइप से आपको वेन्यू में दिखती है, आपको हाइलोजन में ही प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिया गया है। यहाँ पे भी देखेंगे तो जिस टाइप से आपको फ्रंट में मिलती है ना थोड़ी सी डिजाइन डायमंड कट टाइप पे लगती है, उसी टाइप से आपको यहाँ पे भी दी गई है, पूरा पियानो ब्लैक फिनिश में जो देखने में बहुत प्यारी लगती है। पूरा देखेंगे तो चौड़ी पट्टी है, छोटे छोटे से यहाँ पे थोड़ा सा कट टाइप के लगे हुए हैं जो अच्छे लगते हैं। नीचे देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी आपको फॉग लैंप प्रोवाइड नहीं किया गया, फॉग लैंप वाला सिस्टम तो खत्म ही होता जा रहा है धीरे धीरे। और नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको बम्पर दिया गया है, यहाँ इसमें भी आप देखेंगे तो यहाँ पे जैसे हुक दिया गया है टो करने के लिए गाड़ी, और स्क्रू लगे हुए हैं ना बम्पर में तो अच्छा लगता है। पूरा सिल्वर पे है, पूरा डिज़ाइन अच्छा लगता है। पूरा फ्रंट का डिज़ाइन देखेंगे ना आप दोनों साइड से तो अच्छा लगता है, डिज़ाइन में कोई कमी नहीं है, अच्छी बड़ी गाड़ी है, पूरा फील आपको देती है। पूरा आप साइड का व्यू देखेंगे तो साइड में भी आपको अच्छी लगेगी गाड़ी, अगर आपके बगल पे निकलती है ना गाड़ी तो थोड़ा सा आपका ध्यान खींचेगी अपनी तरफ। अब एक बार हम इस गाड़ी के पूरे डायमेंशन की बात कर लेते हैं तो इसमें आपको 3815 mm की लेंथ मिल जाती है और 1710 mm की आपको विड्थ दी गई है, जिसकी वजह से गाड़ी अच्छी खासी लंबी चौड़ी लगती है। टायर साइज देखेंगे तो इसके नीचे जितने भी वेरिएंट आते हैं तो आपको 14 इंच का टायर मिलता है, लेकिन यहाँ पे अब 15 इंच का दिया गया है। ये एलॉय नहीं है, डिजाइन है, लेकिन अच्छा लगता है, पूरा एलॉय वाला फील देता है। टायर साइज अच्छा है और इसमें आपका जैसे टॉप एंड वेरिएंट में भी जाते हैं तो 15 इंच का मिलता है। ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्लैडिंग दी गई है मैट ब्लैक फिनिश में जो गाड़ी के चारों ही तरफ देखने को मिलेगी, और यही पूरा फील कराती है ये SUV वाला। आगे आपको डिस्क ब्रेक दिया गया है, पीछे ड्रम ब्रेक दिया गया है। ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा एजेस टाइप से है, ये वाइट कलर में ये चीज़ें ज़्यादा उभर के दिखती हैं। अगर आप कोई दूसरा कलर लेते हैं जैसे डार्क लेते हैं या डार्क ब्लू लेते हैं तो चीज़ें थोड़ी सी कम दिखती हैं। यहाँ पे देखेंगे तो आपको ORVM दिया गया है बॉडी कलर में, इसको आप इलेक्ट्रिकली फोल्ड और एडजस्ट दोनों ही कर सकते हैं। ये थोड़ा सा आपको वेन्यू की याद दिलाएगा क्योंकि इसी टाइप से वेन्यू में भी मिलता है। पूरा विंडो एरिया देखेंगे तो बड़े साइज का है, जिसकी वजह से अंदर अच्छा खासा स्पेस फील होता है, अच्छी रोशनी मिलती है। और यहाँ पे देखेंगे तो बॉडी कलर में ही आपको डोर हैंडल भी दिए गए हैं। पूरा अगर आप साइड का व्यू देखते हैं ना तो गाड़ी अच्छी खासी ऊंची भी लगती है। ऊपर देखेंगे तो आपको इसी वेरिएंट से रूफ रेल भी मिलते हैं पियानो ब्लैक फिनिश में, और इसका डिज़ाइन भी अच्छा लगता है, थोड़ा सा ऊंचा है। और एक चीज़ और है, इस सेगमेंट में आपको पहली बार एक्सटर में आपको सनरूफ दिया गया है, किसी दूसरी गाड़ी में देखने को नहीं मिलेगी ये चीज़ें। और जिस टाइप से आपको आगे मिलती है ना रिज लाइन, उसी टाइप से पीछे भी दी गई है, और इसको लुक को थोड़ा सा मफलर बनाते हैं। पीछे का पूरा एरिया देखेंगे तो थोड़ा सा बड़ा फील होता है। पीछे वाले में जैसे मैंने आपको बताया कि ड्रम ब्रेक दिया गया है, डिज़ाइन अच्छा लगता है। पूरा ही अगर आप पोस्टर देखेंगे ना तो पीछे के एरिया पूरा ही ऊंचा है, जिसकी वजह से पीछे कोई भी बैठता है ना, जिसकी हाइट 6 फीट की भी है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होती, उसको अच्छा खासा हेडरूम मिल जाता है। और अंदर स्पेस की कोई कमी नहीं है, इस सेगमेंट में आप समझ लीजिए कि अच्छा खासा स्पेस आपको प्रोवाइड कर रही है। जैसे यहाँ पे कोई बैठेगा तो ऊपर देखेंगे तो अच्छा खासा स्पेस है, जिसकी वजह से अगर हाइट ज़्यादा भी होती है, जैसे एक चीज़ और है, आगे वाले आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं दिए गए हैं लेकिन पीछे दिए गए हैं, क्योंकि पीछे वाले लोगों को लग्जरी फील होनी चाहिए। छोटी गाड़ी है जिसकी वजह से ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि स्पेस नहीं है, स्पेस भरपूर मिल रहा है। ये तो हो गई इस गाड़ी के पूरे फ्रंट और साइड व्यू की कहानी जो अच्छी लग रही है। डिज़ाइन में कोई कमी नहीं, अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया है। अब एक बार हम इसका पूरा रियर का व्यू देखते हैं, कुछ चीज़ें आपको दिखेंगी जो बहुत ही शानदार है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो फ्रंट की तरह ही यहाँ पर एच शेप में पूरा टेल लैम्प दिखता है, ये LED में अच्छा लगता है। और आगे की तरह यहाँ पे भी आपको एक चौड़ी पट्टी दी गई है, पूरा ही आपको आगे की तरह लुक मिल रहा है जो अच्छा लग रहा है। ये चीज़ें होती हैं जो कंटिन्यू रहती हैं तो अच्छी लगती हैं। एक्स्टर की बैजिंग यहाँ पे दी गई है, पूरा यहाँ पे सिल्वर फाटन पे ही दिया गया है, और यहीं पे बड़े साइज में हुंडई का लोगो दिया गया है। उसके बाद आपकी ऊपर नज़र जाएगी तो यहाँ पे देखेंगे तो डिफॉगर दिया गया है, ऊपर हाई स्टॉप माउंटेन लैंप,
और इस वेरिएंट से आपको ये स्पॉइलर भी मिलना स्टार्ट हो जाता है पियानो ब्लैक फिनिश में, जो शानदार लुक देता है। पूरा डिजाइन देखेंगे ना तो इसकी वजह से और भी ज़्यादा मस्कुलर लगता है पूरा पीछे का लुक। और ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना दिया गया है, मेरे हिसाब से इसमें वाइपर भी होना चाहिए था लेकिन नहीं दिया गया है, कोई इशू नहीं है। दो आपको रिवर्स पार्किंग वाले सेंसर दिए गए हैं, पीछे भी देखेंगे तो आपको यहाँ पे बम्पर में स्क्रू टाइप से दिया गया है और यहीं पे रिफ्लेक्टर दिया गया है, जो देखने में अच्छा लगता है। डिजाइन में कोई इशू नहीं है, अच्छा लगता है। अब एक बार हम इसका बूट ओपन करके देखते हैं कि अंदर क्या क्या चीज़ें मिल जाती है, क्या स्पेस दिया गया है। बूट ओपन करेंगे तो यहीं पे आपको बूट लाइन दी गई है और यहाँ पे कैमरा फिट किया गया है, जो अच्छा लगता है, बाहर से नहीं दिखता। यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अच्छी लगती हैं। ऊपर देखेंगे तो पूरा कवर किया गया है अच्छी तरह से, ये भी थोड़ा सा प्रीमियम फील होता है, प्लास्टिक हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया लेकिन अच्छा है। नीचे देखेंगे तो यहाँ पे पार्सल ट्रे भी मिल रहा है और इस गाड़ी में आपको 391 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है, जिसमें दो तीन बड़े साइज के बैग आराम से बैठ जाएंगे। और यहाँ पे देखेंगे तो कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से, और यहाँ इधर हुक दिया गया है, अगर आप ग्रोसरी वगैरह लेते हैं ना तो यहाँ पे आप टांग सकते हैं। और अंदर देखेंगे तो 14 इंच का आपको स्पेयर व्हील भी दिया गया है स्टेपनी, तो इसको बंद करते हैं। बूट स्पेस अच्छा खासा है, अगर आप कहीं ट्रिप में जाते हैं ना तो आपको सामान रखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब एक बार हम इसका पूरा फ्रंट का डोर ओपन करते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या क्या चीज़ें मिल रही है, क्योंकि ये सेकंड टॉप वेरिएंट है, 8 लाख रुपए इसकी एक शोरूम प्राइस है, तो चीज़ें आपको उसी टाइप से मिलेंगी। अंदर फीचर्स तो आपको अच्छे अच्छे मिलेंगे लेकिन डिज़ाइन आपको ऑरा और ग्रांटिन नियोस वाला ही मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे तो पूरा ब्लैक कलर का यूज किया गया है, पूरे पावर विंडो के बटन मिल जाते हैं, आप ORBM को इलेक्ट्रिकली फोल्ड और एडजस्ट दोनों ही कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये फोल्ड और अनफोल्ड हो गया, यहीं पे बटन पे हो जाता है, जैसे ये चारों पावर विंडो के बटन है। और पूरा हार्ड प्लास्टिक है, कहीं पे भी सॉफ्ट टच का यूज नहीं किया गया है लेकिन अच्छा प्लास्टिक लग रहा है, ऐसा नहीं है कि कमज़ोर प्लास्टिक है, ठीक ठाक है। यहाँ पे आपको स्पीकर ग्रिल मिल जाती है, यहाँ पे आपको ट्विटर नहीं मिल रहे, मेरे हिसाब से इसमें आपको 4 स्पीकर मिल रहे हैं। आगे देखेंगे तो आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं, फिक्स नहीं है, फिक्स आपको सिर्फ पीछे ही दिए गए हैं। सीट अच्छी है लेकिन सीट की कुशनिंग अच्छी है। एक आपको चीज़ और भी मिलेगी यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखेंगे तो एयरबैग भी मिल रहे हैं, और आप ये समझ लीजिए कि सिक्स स्टैंडर्ड एयरबैग्स आपको 20 वेरियंट से मिल रहे हैं। और एक नई चीज़ और भी अच्छी है जो थोड़ी सी प्रीमियम है, जैसे मैं पहले बता देता हूँ, यहाँ पे थाई सपोर्ट अच्छा मिल रहा है। सीट में साइड में देखेंगे तो लेदर का यूज किया गया है और अंदर आपको फैब्रिक दिया गया है, और आप बेस वेरिएंट से ही आपको हाइट और रिक्लाइन एडजस्ट करने का ऑप्शन भी दिया गया है, जो बहुत अच्छी बात है। और हाइट एडजस्ट करने का ऑप्शन तो जैसे मैंने अभी i20 ली है तो उसमें भी नहीं है, तो ये अच्छी चीज़ है। डैशबोर्ड का डिज़ाइन भी आप समझ ही गए कि किस टाइप से दिख रहा है, अगर आपने देखी है और नहीं ऑफ को, पूरा डिज़ाइन आपको उसी टाइप से मिलेगा लेकिन फीचर्स आपको अलग मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है और हेडलैम्प के लेवल को ऊपर नीचे करने के लिए मिल जाता है, और नीचे आपको ABC पैडल दिया गया है। ये पूरी तरह से मैनुअल गाड़ी है, अगर आप ऑटोमेटिक लेते हैं तो सिर्फ आपको नीचे एक्सीलेटर और बस ब्रेक ही रहता है। अब एक बार मैं गाड़ी के अंदर बैठ के आपको एक एक करके सारे फीचर्स बताता हूँ कि क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं। स्टीयरिंग व्हील का पूरा डिज़ाइन देखेंगे तो अच्छा लगता है लेकिन इसमें आपको कंट्रोल सारे मिल जाते हैं, क्योंकि सेकंड टॉप वेरिएंट है, कंट्रोल आपको यहीं से स्टार्ट हो जाते हैं। बीच में लोगो दिया गया है छोटा सा, अच्छा लगता है। और इधर साइड देखेंगे तो इंफोटेनमेंट सिस्टम और टेलीफोनिक का कंट्रोल, और इधर देखेंगे तो MID को कंट्रोल करने के लिए, और एक आपको अच्छा फीचर्स मिल जाता है क्रूज कंट्रोल। नीचे देखेंगे तो ये सिल्वर साटन पे है, जो थोड़ा सा प्रीमियम लगता है, माहौल बनाता है। अंदर देखेंगे तो पूरा ही आपको डिजिटल क्लस्टर दिया गया है, जिसमें ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल जाती है। इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह सारी चीज़ें हैं, TPMS भी मिल जाता है। इधर साइड देखेंगे तो वाइपर का कंट्रोल, और इधर साइड देखेंगे तो हेडलैम्प को ऑन ऑफ करने के लिए स्विच दिया गया है। पूरा आप इंफोटेनमेंट सिस्टम देखेंगे तो बड़े साइज का है, इसी टाइप से आप देखेंगे तो डिज़ाइन थोड़ा सा मिलता जुलता i20 में भी है। साइड में आपको बटन मिलते हैं, अच्छा लगता है, प्रीमियम लगता है, कोई कमी नहीं है। यहाँ पे जो बटन यूज किए गए हैं अच्छी क्वालिटी के हैं, ख़राब बटन नहीं है। नीचे AC नोब दिए गए हैं जो देखने में अच्छे लगते हैं, और यहीं पर आपको बीच में मिल जाता है हजार्ड का बटन। और एक चीज़ आपको इसमें और भी ज़्यादा प्रीमियम मिलने वाली है, क्योंकि इसमें आपको पूरी तरह से ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। 8 लाख रुपये में ये सारी चीज़ें मिल रही है तो समझ लीजिए कि बहुत अच्छी बात है। और जो बटन यूज किए गए हैं वो भी प्रीमियम क्वालिटी के हैं, यहाँ पे आपको वन टच बटन है। नीचे देखेंगे तो यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट, सी टाइप और USB सारी चीज़ें मिल जाती हैं, और नीचे आपको ये जगह भी मिल जाती है मोबाइल वगैरह रखने के लिए। आप पूरा गियर बॉक्स का डिज़ाइन देखेंगे तो ये भी अच्छा लग रहा है, पूरा ऊपर ग्लॉसी ब्लैक फिनिश और सिल्वर का यूज किया गया है, और 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स दिया गया है। नीचे भी देखेंगे तो यहाँ पे सिल्वर का यूज किया गया है, अच्छा लगता है। यहाँ पे 2 कप होल्डर दिए गए हैं, यहाँ पे आपको मिल जाता है हैंड ब्रेक, और मेरे हिसाब से इस वेरियंट में आर्म रिफ्ट जरूर होना चाहिए था क्योंकि ये सेकंड टॉप वेरिएंट है। ऊपर यहाँ पे IRBM दिया गया है, कैबिन लाइट मिल जाती है, और बीच में आपको मिल जाता है सेगमेंट में पहली बार आपको सनरूफ, ये बहुत अच्छी चीज़ है। इस सेगमेंट में आपको अभी सनरूफ कोई भी प्रोवाइड नहीं कर रहा है, आप कोई भी कंपनी देख लीजिए कोई नहीं दे रहा। और बीच में आपको मिल जाता है बातचीत करने के लिए माइक,
उसके बाद आप साइड में देखेंगे तो यहाँ पे मिरर दिया गया है, और ड्राइवर साइड में देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ टिकट होल्डर दिया गया है, मिरर नहीं है। कोई बात नहीं है, क्योंकि इतने सारे फीचर्स मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई कमी तो होगी। और ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे मिल रहा है आपको एडजस्टेबल ग्रैब हैंडल, पूरा डिज़ाइन देखेंगे तो अच्छा लग रहा है और मिलता जुलता है डिज़ाइन। अंदर का पूरा देखेंगे तो ग्रैंड डाइट नियोस और ऑरा टाइप से ही है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ फीचर्स आपको ज़बरदस्त मिल रहे हैं। ऊपर देखेंगे तो पूरा सिल्वर फार्टन है, और आपको जिसमें फिक्स एयरबैग मिल रहे हैं ना, दो सीट में दिए गए हैं, दो आपको मिल जाते हैं, एक स्टेयरिंग व्हील के ऊपर, एक आपको डैशबोर्ड में, और दो आपको दिए गए हैं कर्टन एयरबैग। ऊपर का पूरा डिज़ाइन देखेंगे तो अच्छा है, यहाँ पे पूरा ग्लॉसी सिल्वर पे दिया गया है, छोटे छोटे पे टेक्सचर हैं जो अच्छा लगता है, और ये कनेक्ट होता है इधर लेफ्ट से लेके राइट तक कनेक्ट होता है, दिखने में अच्छा लगता है, प्रीमियम लगता है, कोई कमी नहीं है। और यहाँ पे भी आपको स्पेस दिया गया है, ये भी बहुत ज़रूरी स्पेस है, क्योंकि मैंने देखा है जो भी लोग होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, अगर आगे बैठते हैं यहाँ पे चॉकलेट वगैरह या छोटी मोटी सामान यहाँ पे देखेंगे तो भरा ही रहता है। और नीचे यहाँ पे ग्लव बॉक्स दिया गया है, मेरे हिसाब से ये कूल्ड होना चाहिए, नहीं कूल्ड नहीं है, लेकिन डिफरेंट साइज का है, इसमें आपके ज़रूरत के डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो ये तो हो गया इस गाड़ी का पूरा आगे आगे का पूरा माहौल। अब एक बार अगर मैं इसकी सेफ्टी की बात करूँ तो इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड, हिल असिस्ट, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, TPMS वगैरह आपको सारी चीज़ें दी गई हैं। अब एक बार हम इसका पीछे का डोर ओपन करते हैं, तो डोर अगर आप देखेंगे ना तो फ्रंट की तरह ही है, कुछ भी चिन्ह नहीं है, सिर्फ इंडिविजुअल पावर विंडो का बटन दिया गया है। अगर मैं इसके म्यूजिक क्वालिटी की बात करता हूँ ना, तो वो भी ओके है, ठीक ठाक म्यूजिक क्वालिटी आपको मिल जाती है, 4 स्पीकर दिए गए हैं। पीछे के सीट देखेंगे तो ये कंफर्ट है, ये आपको राजाओं वाली फील कराएगी, क्योंकि एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। पूरा पोस्चर देखेंगे तो पीछे की तरफ झुका है, अगर आप बैठेंगे ना तो आपको अच्छा महसूस होगा। और यहाँ पे ISOFIX का ऑप्शन भी दिया गया है, 3 लोग तो आराम से बैठ जाते हैं अगर दुबले पतले हैं, लेकिन अगर थोड़े से मोटे हैं तो 2 लोग ही बैठ पाएंगे। अगर थाई सपोर्ट की बात करें तो अच्छा खासा मिल रहा है, कोई कमी नहीं है। और पीछे वाली सीट में अगर आप देखेंगे ना तो अच्छा खासा स्पेस भी है, जैसे यहाँ पे आपको लग्जरी फील कराने के लिए AC भी दिया गया, आगे वाला AC भी अगर देखेंगे ना तो अच्छा कूल करता है, लेकिन पीछे दिया गया है, ये अच्छा फीचर है। और पीछे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट भी दिया गया है। ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक केबिन लाइट भी मिल जाती है, 2 आपको आगे दी गई है, 1 पीछे दी गई है यहाँ पे बीच में, यानी अगर आप रात के टाइम में ऑन करते हैं ना तो अच्छी खासी रोशनी मिल जाती है अंदर। स्पेस अच्छा खासा है, अगर आप पीछे बैठेंगे तो कुछ इस टाइप से आपको पूरा डैशबोर्ड का डिज़ाइन देखने को मिलेगा। जिस पार्ट में आपको सिल्वर कलर दिख रहा है ना, वो चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा प्रीमियम लगती है, थोड़ा सा ज़्यादा हाईलाइट होती हैं। तो ये तो हो गया इस गाड़ी के पूरे अंदर अंदर का माहौल। अब एक बार हम इसके इंजन की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें 1.2 लीटर का कप्पा पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 5 स्पीड की मैनुअल गेयरबॉक्स के साथ आता है, और ये BF6 Phase 2 वाला फुली रिफाइंड इंजन है, तो अगर गाड़ी स्टार्ट रहती है ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा। और इसमें आपको 81 BHP की मैक्सिमम पावर और 113 Nm का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है, और इस इंजन से आपको लगभग 19 KMPL की माइलेज भी क्लेम की जाती है, और अगर आप CNG लेते हैं ना तो वहाँ पे 27 KMPL का माइलेज मिल जाता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो SUV के लिए बहुत ज़रूरी है, इसमें आपको 185 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है। और इस गाड़ी की अगर मैं बात करूँ ना सेल फैक्टर की, तो ये पिछले महीने 7,000 यूनिट सेल हुई है और 21 पोजीशन में थी, और इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि इस गाड़ी के अगले महीने लगभग 12,000 से ज़्यादा यूनिट सेल होंगे, और Top 10 बेस्ट सेलिंग कार की लिस्ट में अपना नाम जरूर बनाएगी। तो इसी टाइप के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।